हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे भगवान की कृपा से। और दोस्तों देखिए हमारे बच्चे क्या लेके आए हैं। तो ये है ककड़ी, और ये है लोइये, और ये है मोठोड़ी। हमारे खेत में होती है ये सब चीज़ें, हम खेत में उगाते हैं ये सब। और दोस्तों आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, और आपको लिए चलते हैं हमारे पशुओं के पास। तो दोस्तों चलते हैं हमारे पशुओं के पास, जहां हम पशुओं को चारा डालेंगे और दूध भी निकालेंगे। चलिए आपको दिखा। तो चलिए गाइस चलते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने पशुओं के पास इन्हें चारा डालने के लिए। ये हमारी गाय है, अब हमने इसको चारा डाल दिया है। तो गाइस मैं आ गई हूँ अब खेत में। तो देखिए कितनी धूप है, बहुत गर्मी है। तो मम्मी अब निकालेगी गाय का दूध, तो चलिए वहाँ चलते हैं। तो देखिए मम्मी अब दूध निकाल रही है। तो देखिए दोस्तों मम्मी दूध निकाल रही है। जब भी मम्मी शाम के टाइम दूध निकालती है तो ये बिल्ली यहाँ पे दूध पीने के लिए आ जाती है। तो दूध निकाल के हम इसे दूध डालेंगे और ये अपना दूध फिनिश करके यहाँ से चली जाएगी। तो देखिए गाइज ये हमारा नीम का पौधा, हमने हमारे घर में काफ़ी पौधे लगा रखे हैं और ये काफ़ी बड़ा हो गया है। तो देखिए ये हमारी सब्ज़ियाँ, घर की ही सब्ज़ी है, और उधर हमारा खेत है। तो देखिए वो बिल्ली मम्मी के पास आ गई है दूध पीने के लिए। तो देखिए गाइज हमने दूध निकाल लिया है, अब मम्मी जाएगी भैंस का दूध निकालने। ये हमने दूध को ढक दिया है और वहाँ पर उस छोटी सी बिल्ली को भी दूध डाल दिया है। तो मम्मी ने यहाँ भैंस का भी दूध निकाल कर रख दिया है साइड में। ये सुबह का दूध गर्म करके रखा हुआ था और हम इसके अंदर डाल रहे हैं अभी से, इसकी हम दही जमाएँगे। तो डिनर में हम बनाएंगे तोरई की सब्ज़ी। हमने यहाँ 14 से 15 लहसुन की कलियाँ ली है, और ये ताज़ा मिर्च है हरी। जब तक हम तोरई को छोलेंगे तब तक हमारा दूध बॉईल हो जाएगा। वहाँ पर चूल्हे पर रखा है दूध और आग भी जल चुकी है। और दोस्तों मैंने यहाँ हरी और रेड साबुत मिर्ची दी है, जो ताज़ा अभी हमारे पौधों में से तोड़ के लाई है। अब इस मिर्च में मैंने लहसुन ऐड कर दिया है। अब इसे भी हम पीस लेंगे। ये है धनिया का पाउडर। तो ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल ताज़ा तोरई है, इसके छिलके आसानी से उतर रहे हैं। और ये सब्जी हमारे खेत की ही है। यहाँ पे हमारी तुरई कट हो चुकी है और अब हम इसको लगाएंगे छोक अच्छे वाला देसी स्टाइल में। ये आधा चम्मच धनिया पाउडर और ये आधा चम्मच हल्दी और ये जीरा है तेल में डालने के लिए, और ये सरसों का तेल डाल दिया हमने एक चमचा। अब इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे। तो दोस्तों मैं सूखे मसाले नहीं डालती हूँ सब्ज़ी में कभी भी, थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर ही छोंक लगाती हूँ।
तो इससे सब्जी का कलर अच्छा आता है और सब्जी टेस्टी बनती है। अभी हमारा जीरा चटक चुका है, अब लगाएंगे तड़का। अब इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हमने इसके अंदर तोरई ऐड कर दी है। और देखिए तोरई की सब्जी का कितना अच्छा कलर आया है एंड ये खाने में बहुत टेस्टी बनती है। घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए इसके अंदर एंड अब इसे मिक्स करेंगे। और जब तक हमारी तोरई बनेगी हम आटा लगा लेंगे रोटी बनाने के लिए। तो देखिए तोरई बन रही है, पतीली के ऊपर हमने इसका ढक्कन लगा दिया है। तो देखिए गाइस हमारा आटा लग चुका है। तो दोस्तों हमारी सब्जी बन चुकी है, आटा भी लग चुका है। तो अब हम वीडियो को एंड करते हैं। शाम के 7:10 हो चुकी है तो भूख लगी है। तो दोस्तों अब करते हैं वीडियो का यहीं पे एंड। सब्जी भी बन चुकी है हमारी तोरई की और आटा भी लग चुका है। तो टाइम हो गया शाम के 7:10। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी। दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।